माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी को पता होगा कि चांद पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति कौन था। जी हां दोस्तों, जैसा कि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है, बल्कि फैक्ट ये है कि चांद पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति के कदमों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं, यानी कि फुटप्रिंट आज भी देखे जा सकते हैं चांद पर। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वन बाय वन सारे फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फैक्ट नंबर 3 पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ वाटर की बात की जा रही है, वो भी किस पे? चांद पर। आप सभी को अगर पता होगा कि भैया चांद पर पानी की खोज की जा चुकी है, तो किसने की और कैसे की ये नहीं पता होगा, चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भैया अपना भारत महान, जी हाँ दोस्तों, अपने भारत इंडिया ने सबसे पहले किसकी खोज की? पानी की, और वो भी कहाँ? चांद पर। तो मेरे दोस्तों, इंडिया ने सबसे पहले वाटर की खोज की कहां पर? चांद पर। लेकिन कैसे की ये, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है, किसी को पता नहीं होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, इसके पीछे का जो कंक्लूजन है कि इंडिया के पास उस समय खुद का रॉकेट नहीं हुआ करता था कि भैया वो चांद पर भेजे और वहां पर पानी की खोज वगैरह करना शुरू करे। तो ये इंडिया ने क्या किया, किसकी मदद ली? नासा की। तो मेरे दोस्तों, नासा की मदद ली। नासा भैया अपना रॉकेट लॉन्च कर रहा था और चांद पर जाने की कोशिश कर रहा था, तो उस समय इंडिया ने क्या कहा? कहा कि भैया हम जा रहे हो चांद पर, तो ऐसा करो हमारा एक सैटेलाइट लेके चले जाओ। तो इंडिया ने अपना सैटेलाइट भैया किसको दे दिया? नासा को दे दिया, नासा के रॉकेट को दे दिया। तो नासा का रॉकेट जब लॉन्च हुआ और चांद पर गया, तो इंडिया का सैटेलाइट भी गया। तो इंडिया का जब सैटेलाइट गया, तो यहां से कुछ एक सैंड पार्टिकल्स वगैरह जो भी काम की चीजें थी, वहां से जो है इंडिया का सैटेलाइट ने कैप्चर किया, सारी चीजों को एनालाइज किया और वहां से मंगवाया गया। तो इंडिया के साइंटिस्टों ने यह बताया भैया, काफी ज्यादा उस पर स्ट्रगल करने के बाद ये बताया कि भैया चांद पर पानी है। तो मान के चलिए दोस्तों, सबसे पहले इंडिया ने ही चांद पर पानी की खोज की है, और ये एक फैक्ट है, इसको जानना बेहद जरूरी था। तो चलिए दोस्तों, फैक्ट नंबर 2 पे बात करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी को, जो मैंने पूछा था कि चांद पर क्या फुटप्रिंट अभी भी देखे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट मैन लिखा है। क्या लिखा है? फर्स्ट मैन। इसका यह मतलब है कि चांद पर सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप सभी को पता होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि चांद पर सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति कौन है? भैया नील आर्मस्ट्रांग। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले अपने कदम चांद पर थमाए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भैया कब थमाए, यानी कि चांद पर सबसे पहले इन्होंने कब अपने कदम रखे। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो सन था 1969। डेट आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट चैट में जरूर देना, जिससे कि आप सभी की भी नॉलेज बढ़ती रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि भैया नील आर्मस्ट्रांग 1969 में सबसे पहले चांद पर जाने वाले व्यक्ति थे। लेकिन फैक्ट ये नहीं है मेरे दोस्तों, फैक्ट ये है कि इनके फुटप्रिंट क्या अभी भी देखे जा सकते हैं, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है। मैं आप सभी को बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा क्यों कहा गया कि आज भी इनके फुटप्रिंट देखे जा सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये चांद के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि भैया नील आर्मस्ट्रांग या कोई भी एस्ट्रोनॉट चांद पर जाता है, तो भैया बहुत सारा कवच पहन के जाता है। आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन टैंक वगैरह ये सब लगा के जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि भैया चांद पर जाने से पहले वहां पर ये जान लीजिए कि चांद का वातावरण, यानी कि क्या चांद के पास एटमोस्फेयर होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भैया नहीं। तो जब उसके पास एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है, यानी कि उसके पास विंड हवा ही नहीं होती, इसीलिए तो भैया ऑक्सीजन का टैंक वगैरह ले जाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ये तो जरूर पता चल गया कि भैया हवा नहीं होती है, कहां पर? चांद पर। तो चांद पर हवा ही नहीं होती है ना, तो यही फैक्ट है भैया, यही इसका कंक्लूजन है इस फैक्ट का। तो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर विंड ही नहीं है, तो वहां पर चेंजेस कौन लेके आएगा? कोई नहीं। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि फुटप्रिंट आज भी देखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 1 पे बात करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को अगर पता होगा तो बिल्कुल आपसे इसका सही जवाब बता दोगे। मैं आप सभी से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और इस वीडियो के चैट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करिए। मान लीजिए कोई एक अर्थ पे इंसान है, उसका वेट 60 kg है, तो मून पर जाने पर उसका वेट कितना हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो फटाफट से वीडियो के चैट बॉक्स में कमेंट करिए, कई सारे लोगों ने कमेंट कर चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, उनका आंसर इससे मैच करते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि भैया अगर कोई इंसान यहाँ पर अर्थ पर 60 kg का है, तो मून पर जाने पर जानते हो 1/6 होता है, यानी 1/6 टाइम्स हो जाएगा 60 kg का। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर निकालते हैं। तो 60 kg है, 60 को 1/6 से मल्टीप्लाई करिए, जी हाँ दोस्तों कितना आएगा, 10 kg। तो वो इंसान मून पर 10 kg का हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि भैया मून का ग्रेविटेशनल फोर्स एज कम्पेयर टू अर्थ चेंज होता है। तो इसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जी है,
तो यहां पर मून पे कितना हो जाएगा, 1/6 g। तो दोस्तों इसी वजह से अगर कोई इंसान 60 केजी का धरती पे है यानी कि अर्थ पे है तो वो चांद पे जाने पे कितने केजी का हो जाएगा, भाई 10 केजी का। यही फैक्ट है, जब आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वीडियोज वगैरह में जब मून पे कोई जाता है तो भैया वो छलांग लगाता है, तो इतना ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी खींची नहीं रही। कोई इंसान 60 केजी का 10 केजी का बन जा रहा है तो वहां पर ग्रेविटी का फोर्स बहुत ही कम होता है, इसलिए जब कोई इंसान कूदता है तो हवा में चला जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इसमें से कौन सा फैक्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया, जिसको जानने के बाद आपको बेहद मजा आया।